हेलो फ्रेंड्स, ये है चचेड़ा या चिचिन्ना। हर जगह का नाम इसका अलग अलग है। हमारे यहाँ तो चचेड़ा कहा जाता है, और आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं बता सकते हैं। और ये देखिए, बहुत सॉफ्ट भी है, ऐसे टूट जा रहा है, और बहुत लंबा लंबा होता है ये, और इतना बड़ा है थाली में आ नहीं रहा है, इसीलिए मुझे काट काट के रखना पड़ रहा है। और इसको हमने अच्छे से धुल लिया है, और इसकी स्किन निकाल देंगे ऐसे, और बहुत आसानी से ऐसे निकल जाती है स्किन। देखिए कितनी आसानी से ऐसे चाकू से एकदम खुरच देना है और निकल जाएगी। और इसे कोई वैसे नहीं हमें छीलना है छिलनी से, बस चाकू से ही निकालना है। और ये इसकी सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, और ये इसी मौसम में मिलता भी है। जैसे तरोई का पेड़ होता है वैसे इसका पेड़ होता है, और ये लंबे लंबे लटकते रहते हैं उसी में, बहुत बड़े बड़े होती हैं। और ऐसे ही हमको छीलना है इसको। ये छिल गया है, बहुत आसानी से ये छिल भी जाता है। और दो हमने टमाटर लिया है, और देखिए सारे चचेड़ा को हमने छील लिया है। और पीस आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, हम सर्कल शेप में कट कर रहे हैं। ऐसे देखने में भी अच्छा लगता है और आसानी भी है। ऐसे ही सारे पीसों को हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो इनके बीज यहाँ पे हटा सकते हैं। देखिए सारे चचेड़ा को हमने कट कर लिया है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ग्रीन ग्रीन। और दो हमने टमाटर लिया है, दो ही प्याज है, लहसुन की कलियाँ, दो हरी मिर्च। और इधर इंडक्शन पे हमने कढ़ाई रख दी है, ये सरसों का तेल है। और पहले हम चचेड़ा को फ्राई करेंगे, हम सेलो फ्राई कर रहे हैं, आप चाहें तो डीप भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हल्की हरियाहिन आती है, अगर फ्राई करेंगे तो वो निकल जाएगी, बहुत अच्छा खाने में लगेगा। इसीलिए इसको हमें जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता है ऐसे फ्राई कर लेना है, ऐसे चलाते रहना है रुक रुक के। और तब तक उधर हम मसाले तैयार कर लेते हैं। एक लिया हमने मिक्सी का जार, और टमाटर इसमें डालेंगे, पेस्ट बनाएंगे, और प्याज हम थोड़ा इसमें डालेंगे, और थोड़ा ऐसे कटा हुआ डालेंगे सब्जी में, और दो हरी मिर्च तोड़ के डाल रही हूँ, और कुछ लहसुन की कलियाँ। इसको पीस लेते हैं, पानी नहीं डालना है क्योंकि टमाटर में खुद ही पानी होता है। देखिए ये पीस गया है, और इधर चचेड़ा भी फ्राई हो चुका है, कलर चेंज हो गया है देखिए, और ये अपना पानी भी छोड़ दिया है। ऐसे ही हमको इसको फ्राई कर लेना है। अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते तो हल्का सा बॉईल कर लें, तब भी अच्छा बनता है, लेकिन फ्राई करने से और अच्छा बनता है। और अब ये हो चुका है फ्राई, निकाल लेते हैं सारे चचिंदे को। और सेम उसी कढ़ाई में फिर से हमने थोड़ा तेल डाला है, और उधर हल्का पानी है चचेड़े का, ये है करी पत्ता, तेज पत्ता, और हरी मिर्च, जीरा, और इधर हमने प्याज डाल दिया है, इसको भी फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्याज का भी कलर चेंज हो गया है, अब इसमें हम ये पेस्ट डालेंगे जो टमाटर और हरी मिर्च लहसुन वाला, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कच्चापन नहीं निकल जाता। जितना अच्छे मसाले आप भूनेंगे उतने सब्जी खाने में टेस्टी लगेगी। देखिए अब ये भी, इसका भी कलर चेंज होने लगा है। अब इससे ऑयल भी रिलीज होने लगा है, ये भून चुका है। एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, और इन सारे मसालों को हम ऐसे ही पका लेते हैं। इससे भी ऑयल रिलीज होने लगा है, मसालों से भी। और एक चम्मच नमक स्वाद अनुसार, मसाले आप यहाँ पे ज़्यादा भी डाल सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। और अब हम इसमें डाल रहे हैं चचेड़े,
ग्रीन ग्रीन देखने में ये बहुत अच्छा लगता है। और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अगर सूखा बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही ढक के पका लीजिए, अगर ग्रेवी वाले चाहिए तो थोड़ा सा पानी डालें। और मसाले मिक्स हो चुके हैं और अब हम यहाँ पे एक गिलास पानी डाल दिए हैं और इसको मिक्स करके ढक देंगे लीड से। लीड लगा के हमने कवर कर दिया है और यहाँ पे पकते पकते देखिए 10 मिनट हो चुका है, सब्जी हमारी पक चुकी है। और एक हम इसका पीस लेके चेक करेंगे, इस चम्मच से मैं देख रही हूँ कट रहा है अच्छे से, ये पक चुकी है सब्जी। और इतना ही हमको ग्रेवी रखनी है। और चलिए अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स लीजिए, सब्जी हमारी चचेड़ा की बनके तैयार है। आप लोग भी बनाइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और देखिए कितना बढ़िया लग रही है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।